सो गाइज, आपने कभी सोचा है कि एक दिन में 1 लाख व्यू आ सकता है? यहाँ तक 1 लाख नहीं, 1 मिलियन भी व्यू आ सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में कैसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपका भी 1M या फिर 1 लाख व्यू आ सकता है, आप जितना ला सके। तो यार, आज के वीडियो काफी इंपोर्टेंट के साथ नॉलेजबल होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है आदित्य जिनेद। नहीं यार, आप लोग कहेंगे यार कॉपी कर रहा है, मैं किसी का कॉपी नहीं कर रहा हूँ। मेरा नाम आदित्य एंड आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर आदित्य टेक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा न्यू वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देगी, आप कहेंगे कि भाई टिक में 1 मिलियन व्यू आ सकता है एक दिन में, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कोई अदर टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे तो आ सकता है, लेकिन टिक में एक दिन में 1 मिलियन कभी व्यू नहीं आ सकता है। दूसरे यूट्यूबर जो बड़े बड़े समय जिसका 20 मिलियन 15 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, उनका तो आ सकता है, लेकिन अगर आप चाहे तो आप टिक में 1M व्यू नहीं आ सकता। ठीक है, तो दोस्त आपको बता दें कि एक ऐसे जो कैटेगरी है जिस पर आपका व्यू आ सकता है एक दिन में ही। तो दोस्त आपको बता दें कि ये नहीं कि एक ही दिन में तुरंत आपका व्यू आ जाए 1 लाख, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। आपसे कहना चाहूँगा कि आप धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो आपका 1 लाख पर डे व्यू आ जाएगा। तो दोस्त आपसे कहना चाहूँगा वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग आपको बता दें कि मैं ब्लॉगिंग ही क्यों कहा, तो दोस्त आपको बता दें कि उसमें ना ही अदर कंटेंट डालना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप टेक में वीडियो डालते हो तो आज अगर आप फेसबुक के बारे में वीडियो डाल रहे हैं अपने चैनल पर, तो कल आप यूट्यूब के बारे में वीडियो डालेंगे, आप परसों आप व्हाट्सएप के बारे में वीडियो डालेंगे। इस तरह आप मिक्स कंटेंट हो जा रहा है, अलग अलग कंटेंट हो जा रहा है, तो इससे ज़्यादा व्यू नहीं आता है आपके वीडियो पर या फिर मेरे भी वीडियो पे। ओके, किसी भी टेक वाले चैनल पर देख लीजिए, उस पर एवरेज व्यू नहीं बनता है। ठीक है, एवरेज 1 लाख पर वीडियो पर आ जाता है, ऐसे वीडियो पर नहीं होता है। कभी आपका 50, 70, 80, 90, 1 लाख, 5 लाख इस तरह आता है, लेकिन बराबर नहीं रहता है। तो दोस्त आपको बता दें कि ब्लॉग वाला जितना भी चैनल है उस पर बराबर व्यू रहता है। क्यों रहता है आपसे कहना चाहूँगा, वो एकदम जिस तरह का हरदम ब्लॉग बनाते हैं, वो हरदम डेली बाई डेली इसी तरह का ब्लॉग अपलोड करते हैं। तो दोस्त आपको बता दें कि वो ऑडियंस डेली वही ब्लॉग देखती है, उसी घर का ब्लॉग देखती है। आप लोग मान लीजिए सौरभ जोशी ब्लॉग्स जिनका चैनल है, वो डेली अपने घर का ब्लॉग डालते हैं, डेली बाय डेली अपने ही घर का, ना ही दूसरे का घर का, ना ही कहीं जाते हैं, लेकिन इस समय अपने घर के ही ब्लॉग डाल रहे हैं। तो मिलियन में डेली 3 मिलियन प्लस व्यू आ जाते हैं। तो डेली कैसे आ जाता है आपसे कहना चाहूँगा, वो डेली बाय डेली एक ही कॉन्टेंट लेकर चलते हैं, एक ही रूट लेकर चलते हैं। आपको बता दें कि वो डेली घर का ही ब्लॉग दिखाते हैं, डेली घर का ही सीन दिखाते हैं, इसीलिए उनका ऑडियंस है जान जाता है कि डेली इनका घर का ही है, डेली वही देखते हैं। तो दोस्त आपको बता दें कि अगर आपका टेक का चैनल है तो आप फेसबुक के बारे में डेली बाई डेली वीडियो बना रहे हैं, तो आपका एवरेज व्यू बना रहता है। आपको बता दें कि ब्लॉग कैटेगरी एकदम बेस्ट है, आप लोग समझ सकते हैं कि उसमें कहीं जाने का जरूरत नहीं रहता है। अगर आप ट्रेवलिंग ब्लॉग बना रहे हैं तो वो भी बेस्ट रहता है, लेकिन उस पर भी थोड़ा बहुत व्यू अप डाउन होता रहता है। लेकिन अगर आप फैमिली टाइप का ब्लॉग बनाएंगे, अगर अच्छे से घर पर ब्लॉग बनाएंगे, तो वह एवरेज व्यू आपका बना रहेगा। अगर आपका 10 के भी व्यू आ रहा है तो 10 के से ऊपर हो सकता है, लेकिन डाउन तो कभी नहीं होगा, मेरा एक गारंटी है। तो दोस्त आशा करता हूं इस वीडियो से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हो। मैं इस वीडियो में यह बताना चाहता था कि अगर आप एक ही टाइप का कंटेंट अपने चैनल पर डालते हो, मान लीजिए ब्लॉग ही डाल रहे हो, तो अगर आप फैमिली टाइप का डेली ब्लॉग डाल रहे हो तो डालते रहिए, इससे आपका एवरेज व्यू बना रहता है, इससे आपका वीडियो वायरल होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आपका पर डे 10 का व्यू रहा है तो आप डेली बाय डेली ब्लॉग डालते रहिए, इससे आपका 10 के नहीं, आप समझ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सौरभ जोशी का ब्लॉग पर डे पहले, मैं बहुत पहले से उनका ब्लॉग देखता हूं, उनका पहले व्यू 1 लाख पर वीडियो पर आ जाता, आराम से 1 लाख पर वीडियो पर आ जाता था, लेकिन इस समय उनका 3 मिलियन प्लस व्यू आ जा रहा है। क्यों आ रहा है दोस्त आपको बता दें कि वो डेली बाय डेली वीडियो डालते थे, अपने ऑडियंस को कनेक्ट रखे हरदम अपने साथ, इसलिए उनका ऑडियंस ज्यादा हो गए, 1 लाख से भी उनके कई गुना हो गए। तो आपसे कहना चाहूंगा कि डेली बाय डेली आप वीडियो अपलोड कीजिए और एक कंटेंट पकड़ के चलिएगा, तो आपका वीडियो जरूर चलेगा, आपका चैनल ग्रो जरूर होगा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।